का है परसों दिन, तो यार आज ओपनिंग हो रहा है, सुन के हम एक दिन ज्यादा रुक गया। सुना है वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू है, इसलिए रुक गया यहाँ पे। वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये इंटरेस्ट के लिए रुक गया यहाँ पे। मेरा नाम तारिक अहमद लोन है। मैंने ये इग्लू जो इस साल पहल की है इसको बनाने में, गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज किया और हमने भी पार्टिसिपेट किया और हमको सफलता मिली इसको लेने में। हम टूरिस्ट के लिए इसको, टूरिस्ट फैसिलिटीज के लिए रखा हमने यहाँ पे। तो जो ये है सर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इग्लू है। लास्ट ईयर जो इग्लू बनाया था उन्होंने दावा किया था ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, और ये जो इग्लू है ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो उस हिसाब से हम भी दावा कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू है। इसकी जो हाइट है ये 40 फीट की हाइट है और जो वेड़ है 42 फीट की है। और यहाँ पे हमने कश्मीरी ट्रेडिशन को भी बढ़ावा दिया है, जैसा कि हर एक चीज यहाँ पे कश्मीरी जो है उसके हिसाब से मिलेगा। कश्मीरी ट्रेडिशन जैसा कि कावा है, नून चाय है, शीरमाल है, ऐसा हर एक चीज जो भी कश्मीर में मतलब हमारा जो खान पकवान है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे टूरिस्ट को यहाँ पे। कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? इसमें अगर आप सिर्फ सेल्फी वगैरह फोटो लेने के लिए यहाँ पे 40 लोग भी बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर टेबल्स की बात करें तो एक बार में 20 लोग यहाँ पे चाय कॉफी वगैरह जो भी खाना पीना होता है उनको बैठ के। कितने टाइम में आपने कम्प्लीट किया और कितने मजदूर इसमें लगे? इसमें सर मैं इसको एक महीना 10 दिन में हमने कम्प्लीट किया है। बर्फ कम होने की वजह से इसको बनाने में थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का फिर भी बन गया ये। कितने लेबर इस पे लगे? तो हर दिन इसमें 18 से 20 लेबर काम करते थे और 4-4 मिस्त्री काम करते थे। इसमें टोटल 740 लेबर लगे हैं और 410 इसमें लगे हैं मिस्त्री बनाने में।